हर दिन बीतने के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रफ्तार में तेजी दिख रही है। सभी पार्टियां हर संभव समीकरण बनाने में पूरी तरह समर्पित नजर आ रही हैं। आइए नजर डालते हैं चुनावी दौड़ पर। उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए भाजपा के विधायक और सांसद जनता के घर जा जाकर अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। चुनावी रणनीति की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीते 4.5 साल में वंचित तबका सरकार की नीतियों का केंद्र रहा है। उन्होंने जनता प्रतिनिधियों को लक्ष्य दिया है कि प्रदेश की जनता के घर जाकर उनके तथ्यों के आधार पर बताएं कि हमारी सरकार किस तरह बाकी सरकारों से बेहतर है, जिससे जनता अपना मत सही स्थान पर दे। भाजपा के बाद बात करते हैं बसपा की, तो इस बार बसपा नए अंदाज से चुनाव लड़ेगी। मीडिया और सोशल मीडिया से दूर रहने वाली बसपा इस बार सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हर मुद्दे पर ट्वीट कर अपनी बात रखती नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा पीआर एजेंसी लगाए हुए हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव 12 अक्टूबर से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा मथुरा से निकालने जा रहे हैं। 7 चरणों वाली ये रथ यात्रा रायबरेली में समाप्त होगी। यात्रा का मकसद जनता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। आम आदमी पार्टी चुनावों के मद्देनजर गारंटी कार्ड नागरिकों से भरवा रही है। प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने रविवार को फ्री बिजली अभियान के तहत अरविंद केजरीवाल की गारंटी वाला कार्ड नागरिकों से भरवाया। पार्टी ने घोषणा की थी कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो घरेलू उपयोग में 300 यूनिट फ्री बिजली, किसानों के लिए मुफ्त बिजली सहित बकाया बिल संपूर्ण रूप से माफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस और सपा हाल ही में लखीमपुर में हुई हिंसा का विरोध करते हुए खूब सुर्खियां बटोर चुकी है। हिंसा से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चुनाव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर जानने के लिए जुड़े रहिए प्लस के साथ। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।